हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की इस व्लॉग में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज जो है वो थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है, जो कि कोई 6:30 हो रहे होंगे। आज ये जो है मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो गाइस, अभी जो है कि अचानक से जो है दोस्तों के साथ एक प्लान बना, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग शाम के टाइम पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, हमने जो प्लान बनाया है कि हम अभी लोग क्या है यहाँ से निकलेंगे और हुंजा वैली में स्टे करेंगे, फिर वहाँ से आगे इंशाल्लाह जो पाक चाइना बॉर्डर, आपने नाम तो सुना ही होगा, तो वहाँ जाने का प्लान है। तो अभी मैं जो है वो रेडी हो चुका हूँ, तो उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज के बाद इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ना बैग में अपनी चीज़ें जो है वो पैक करने लगा हूँ, तो अभी चीज़ें पैक कर देता हूँ अभी। तो गाइस, ट्रिप पे जो है मेरे साथ जाएगी एक मेरी एक शर्ट है, तो ये भी जाएगी ट्रिप में हमारे साथ। उसके बाद वहाँ पे बॉर्डर पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए मैंने ये एक जैकेट भी लूँगा अपने साथ, ये जैकेट। ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेके जाऊंगा यहाँ से। और उसके बाद ये जो है मेरे कैमरे की जो एक्सेसरीज है ना, तो उनको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो गाइस, बाकी जो दोस्त हैं वो भी आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, तो अभी यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, शाम को जो है हम लोग हुंजा वैली में पहुंच चुके थे, और हुंजा वैली में ये जो है घर है, आप पीछे देख रहे हैं, मेरा एक दोस्त का घर है। तो गाइस, शाम को जो है हम लोग इसी घर में रुके थे, तो काफ़ी अच्छी नींद आई, तो आज सुबह सुबह उठे हैं। तो गाइस, अभी जो है हमको ऐसा करना है ना कि सबसे पहले नाश्ता वगैरह करना है, तो नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जो चाइना बॉर्डर का जो रास्ता है, हमारी जो डेस्टिनेशन है चाइना बॉर्डर, वहाँ तक हम निकल जाएंगे। तो इंशाल्लाह कोई 3 घंटे में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इनका जो घर है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, और शाम को यहाँ पे हमको बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। बदकिस्मती से बात ये थी कि रात को जो है यहाँ पे लाइट नहीं थी, इस वजह से हम जो है वो व्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो गाइस, हमको जो है ये पीस हुए थे। तो गाइस, अभी जो है वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, तो कुछ देर में जो है वो शायद यहाँ पे नाश्ता रेडी होगा, आई डोंट नो, शायद यहाँ पे नाश्ता मिले, नहीं तो हम बाहर जाके नाश्ता कर लेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ से जो है निकल जाएंगे अपने सफ़र पे। गाइस, अभी जो है नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया यहीं पे, तो अभी यहाँ से निकलने लगे हैं। यहाँ पे ना एक बहुत प्यारी सी गेट नजर आई मुझे, तो मैं उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की मैंने उसको, पर वो मेरे हाथ में नहीं आई। मैं चाह रहा था उसको अपने साथ यहाँ से घर लेके जाऊँ। तो अभी हम जो है यहाँ से ना इनके घर के छत के ऊपर तो गाइस, जो ये जो
कबूतरों का शौक है मुझे बहुत ज़्यादा था बचपन से। तो एक टाइम पे हमारे घर पे भी हुआ करती थी पिजन्स बहुत ज़्यादा, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि एक कैट ने हमला कर दिया और उन पे और सबको मार दिया। तो उसके बाद जो है वो शौक थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद पिजन्स वगैरह को मैंने नहीं रखा घर पे, लेकिन आज जो है यहाँ पे यहाँ पे इन पिजन्स को देख के जो है ना बहुत खुशी आ रही है इनको देख के। अरे तो यहाँ पे पिजन्स वगैरह है तो उनको देखने आए हैं हम यहाँ पे। तो गाइस जो ये जो कबूतरों का शौक है मुझे बहुत ज़्यादा था बचपन से। तो एक टाइम पे हमारे घर पे भी हुआ करती थी पिजन्स बहुत ज़्यादा, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि एक कैट ने हमला कर दिया और उन पे और सबको मार दिया। तो उसके बाद जो है वो शौक थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद पिजन्स वगैरह को मैंने नहीं रखा घर पे, लेकिन आज जो है यहाँ पे इन पिजन्स को देख के जो है ना बहुत खुशी आ रही है इनको देख के। तो गाइस अभी मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ और यहाँ से मतलब ऊपर रास्ते में जो है ना यहाँ तक बाइक्स को हम लेके नहीं आ सकते थे, इसलिए बाइक को जो है हमने रास्ते में पार्क किया हुआ है। तो अभी यहाँ से ऊपर तक जाएंगे, ऊपर से जो हम लोग जिस जगह पे जाने वाले हैं वहाँ के लिए निकल जाएंगे। तो लेट्स गो। अभी चलने के बाद हम लोग जो है पहुंच चुके हैं आताबाद लेक, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ से आगे भी शायद पता नहीं कितना रास्ता अभी बाकी है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मेरे साथ ये पीछे मेरे दोस्त हैं, ये सारे जो है वो पहली बार ही जा रहे हैं। तो आज अभी जो है एक बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो इस बाइक से निकाल कर उस बाइक में जा रहे हैं हम। बहुत खूबसूरत होटल्स बने हुए यहाँ पर। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं हम जो है वो सोस्त में पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो चाइना का जो जितना भी इम्पोर्टेड माल आता है चाइना से वो सारा इसी जगह पे आता है। तो अभी हम लोग यहाँ से भी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ से बाइक में पेट्रोल डलवा के फिर यहाँ से आगे निकलेंगे।
तो गाइस हम लोग जो है सोचते जो है वो तकरीबन 30 मिनट चले और अभी हमको यहाँ पे एक अच्छी जगह दिखी तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, यहाँ से पानी वानी पी के फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे जाने के लिए। पहुंच गए हैं जी खुंजराब और यहाँ से आगे ये चेक पोस्ट है, तो यहाँ से आगे यहाँ से नीचे से वो कुछ पास वगैरह मिलता है तो उसको लेके यहाँ से ऊपर छोड़ते हैं, उसके अलावा यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। तो दोस्त लोग जो हैं वो गए हैं नीचे वो लेने, तो अभी उनका वेट कर रहे हैं हम, तो वो पास लेके ही यहाँ से आगे हम लोग जा सकते हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ लेकिन इस जगह से आगे मैं नहीं गया हूँ, तो यहाँ से आगे मेरा जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दोस्तों को पास मिल चुका है तो अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो गाइस हम जो है वो तकरीबन पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी इस वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर अपना सफ़र का आगाज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऐसे जो है ऐसे यहाँ से ऊपर से ऐसे मोड़ बने हुए हैं, फिर ये जो है टॉप तक जाएंगी ऐसे यहाँ से। असल में यहाँ से चाइना गेट तक जो है वो 3 किलोमीटर से आगे नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ से, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से दूर से देख के ही वापस होना पड़ रहा है हमको चाइना। तो ये मतलब एक ऐसी जगह है जैसे पूरा इलाका जंगल है, मतलब यहाँ पे जंगल जैसी टाइप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ों पे बर्फ वगैरह पास ही, और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है।
पास नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों को हम जो है वो थोड़ी दूर से ही दिखा देंगे। ये गोली मारेंगे पुलिस वाले हमें, शूट अच्छा है, ऑर्डर मिला है डीसी को। नहीं यार इतना भी कुछ नहीं होता। वापिस होने लगे हैं, तो अभी यहाँ से वापिस होने नहीं बुलाई है क्योंकि अभी शाम हो जाएगी, फिर हमको हमारे पास बाइक है तो शाम को सफ़र भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी यहाँ से नीचे जाने लगे। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे हम इंशाल्लाह आगे, बस सिर्फ 3 किलोमीटर रह गए थे आगे जाने के लिए, लेकिन गेट तक जाने के 3 किलोमीटर, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है इंशाल्लाह आगे गेट तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।